पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का निधन हो गया है। उन्होंने पटना के एम्स अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उनके निधन के बारे में पप्पू यादव ने खुद ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। इस घटना के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। पप्पू यादव ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। पटना के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए पिता के निधन के बारे में जानकारी दी। पप्पू यादव ने एक तस्वीर भी साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता, मेरे आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पथ मार्गदर्शक, मेरी शक्ति उत्स पिताजी नहीं रहे। पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं। बता दें कि चंद्र नारायण यादव काफी समय से बीमार चल रहे थे। कुछ ही दिनों पहले उन्हें पूर्णिया के पटना एम्स में लाया गया था। जब उन्हें पटना लाया गया तब उनके साथ पप्पू यादव भी अस्पताल में मौजूद थे। पप्पू यादव ने इसके बारे में भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी। उन्होंने 9 सितंबर को एक ट्वीट में लिखा कि मेरे पिताजी पटना के एम्स में इलाजरत हैं। कल ही उन्हें पूर्णिया से पटना एम्स लाया गया है। जनसेवा के तमाम दायित्वों को अपने सहयोगियों को सौंप पिताजी की सेवा के लिए पटना में हूँ। मेरे सृजनकर्ता ही नहीं हैं, वह मेरी विचारधारा और दर्शन के भी निर्माता हैं। उनका सानिध्य मेरे सर्वोच्च शक्ति है।